अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सीखने वाले हैं फ्लॉलेस फाउंडेशन लगाना। मैं नॉर्मली 4 स्टेप्स फॉलो करती हूँ। पहला आ जाता है प्रिपरेशन स्किन की, उसके बाद सेकंड आता है प्राइमर, थर्ड आता है फाउंडेशन और फोर्थ होता है सेटिंग। सेटिंग आप या तो सेटिंग स्प्रे कर सकते हैं या सेटिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं। मैं नॉर्मली जो है सेटिंग स्प्रे यूज़ करती हूँ, उससे मुझे ज़्यादा कम्फर्टेबल रहता है। तो होपफुली आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है काम की होगी। तो कीप वॉचिंग टिल दी एंड। तो स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन लगाना। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्किन को अपने प्रिपेयर करना है। प्रिपरेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये ला रोश पोजे का है मेरे पास मॉइस्चराइज़र। बहुत ही ज़बरदस्त मॉइस्चराइज़र है, मुझे बहुत सूट करता है। एक ही ड्रॉप इसका मोर देन इनफ है। अच्छा, ये है मेरे पास लिमिनेटिंग बॉडी शॉप का ड्रॉप ऑफ ग्लो। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, इसका एक ड्रॉप आपने डालना है अपने मॉइस्चराइज़र में। मॉइस्चराइज़र को मिक्स करना है अच्छे से और इसे पूरी स्किन के ऊपर आपने अप्लाई कर देना है। गर्दन को आपने इग्नोर नहीं करना है क्योंकि वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उस पर भी आपने मॉइस्चराइज़र भी लगाना है और फाउंडेशन भी लगाना है। ठीक हो गया। अच्छा, मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आपने अपनी स्किन को जो है हमेशा टाइम देना है। 10 to 15 मिनट्स आप अपने स्किन को टाइम देना है। उसके बाद आपने जो है प्राइमर लगाना है, क्योंकि जब तक मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होएगा तो वो हाइड्रेटेड नहीं लगेगी। तो ऑलवेज गिव एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स। ठीक है, तो अभी अच्छा देखें, 15 to 20 मिनट्स हो गए हैं। आप देखें कितनी हाइड्रेटेड लग रही है स्किन ऑलरेडी। अभी हमने इसके ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं किया। अब तो हम फेस प्राइमर की बारी है। अच्छा, मैं यूज़ करती हूँ ये पोर फिलर है निक्स का, क्योंकि मेरे काफ़ी ओपन पोर्स हैं, ख़ासतौर पर नाक के इर्द गिर्द, वहाँ पर हम लगाएंगे। ये देखें, के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ निक्स का HD फेस प्राइमर है, बेस प्राइमर। इनफैक्ट ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है, थोड़ा सा अपने लगाना है। ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़बरदस्त है, थोड़े से में ही काम हो जाता है। अच्छा, अब प्राइमर के बाद बारी है कंसीलर की। कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ एस्टी लॉडर की डबल वेयर। अच्छा, क्योंकि मेरी जो है एक्नी की हिस्ट्री रही है, बट एक्नी तो ख़त्म हो गया लेकिन स्टिल मेरे पास स्कार्स हैं उसके, तो उन्हें हम हल्का हल्का सा ये कंसीलर से छुपा लेंगे। अंडर आई लगाएंगे कंसीलर लाइट सी। ब्यूटी ब्लेंडर से हमने इसे टैपिंग मोशन में कंसीलर को लगा लेना है। कंसीलर हमारी सेट हो गई है।
अब हम अप्लाई करेंगे फाउंडेशन। अच्छा, फाउंडेशन मैं यूज़ कर रही हूँ एस्टेलोडा का, यह है एस्टेलोडा डबल वेयर स्टेन प्लेस मेकअप। तो मुझे यही सूट करता है क्योंकि मेरी वॉर्म टोन है और मेरी वॉर्म टोन के ऊपर सबसे बेस्ट जो है एस्टेलोडा ही जाता है। तो इसी की मैं कंसीलर यूज़ करती हूँ और इसी का ही फाउंडेशन। तो सबसे पहले हम ब्रश से फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। ब्रश से अप्लाई करने के बाद हम यूज़ करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर। इससे हमने अच्छे से ब्लेंड करना। अच्छा, जो मेरे पास जो प्रोडक्ट रह गया है हाथ के ऊपर, मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर से साफ़ कर लूँगी ताकि प्रोडक्ट जो है वो आपका ब्लेंडर के ऊपर लग जाए, वरना आपका जो मुंह पे लगा हुआ है सारा प्रोडक्ट आपका ब्यूटी ब्लेंडर खा जाएगा। उससे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट आपकी वेस्ट होती है। टिप हो गई। अब हम इसे वही डैबिंग मोशन में टैप करना है हमने। हेयर लाइन को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है वरना ये अंदर से बहुत ही बुरा सा नज़र आता है। तो देखिए, फाउंडेशन हमारा जो है पूरा सेट हो गया है। अब बारी है सेटिंग पाउडर की। तो सेटिंग पाउडर भी मैं निक्स का ही यूज़ कर रही हूँ। ये बनाना पाउडर है, सेटिंग फिनिशिंग पाउडर निक्स का, जो मेरे बेटे ने तोड़ दिया है। तो इसे हम यूज़ करेंगे अंडर आई, क्योंकि हमारी जो कंसीलर है वो सेट रहेगी, उसके अंदर क्रैक्स नहीं पड़ेंगे। बाकी चेहरे पे भी आपने इसी तरीके से ये टैप कर देना। ब्रश बड़े ब्रश से कर लेती हूँ, इसको जल्दी जल्दी हो जाएगा। पूरी गर्दन पे भी लगा लेना क्विकली। एक्सेसिव जितना भी पाउडर है वो आप झाड़ देंगे इससे। तो ये हो गया फाउंडेशन। अब आपने जो भी मेकअप वगैरह करना है आप वो लगाएं, इसके बाद सेटिंग स्प्रे। तो मैं भी थोड़े से आईब्रोज करती हूँ, उसके बाद ट्रेंचेंट लगाते हैं, तो आपको एग्जैक्ट लुक पता चल जाएगा फाउंडेशन का। तो हल्का सा अप्लाई करते हैं हाइलाइटर, ये मेरे पास एस्टेलोडर का है। चीक्स की जो हाई एरिया है इधर हम अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा नाक पे लगा लेंगे, होंठों पे लगा लेंगे, हल्का सा ब्लश हम लगाते हैं। के बाद मेरे पास ये बेनिफिट का टिंट है, बहुत ही ज़बरदस्त पिंक शेड में, ये लगा लेंगे। तो ये था फाउंडेशन, ये देखें जी। कोई इसके अंदर केकी लुक नहीं आ रहा, बहुत ही फ्रेश लग रहा है और हाइड्रेटेड लग रहा है, और ये थ्रू आउट द डे चलेगा। तो थोड़ा सा मस्कारा भी अप्लाई कर लेते हैं, वेट का है मेरे पास एक बेनिफिट का मस्कारा।
सो गाइस दिस इज़ हाउ आई अप्लाई माय फाउंडेशन एंड लास्ट का जो है यह सेटिंग स्प्रे मेरे पास है, ये स्मैश बॉक्स का सेटिंग स्प्रे जो कि मेरा फेवरेट है, ये हम अप्लाई करेंगे आखिर में। सो गाइज ये थी मेरी फाउंडेशन लगाने की रूटीन, होपफुली आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत काम की होगी। अगर आपको पसंद आई है तो गिव इट अ थम्स अप, शेयर करें, लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। यू गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।